तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पराठा रेसिपी, जो कि मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो दे रही हूँ, यानी आपको क्या करना है, पहले आलू को छील लेना है अगर आपको टाइम बचाना है तो, फिर आप उसको बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो आलू थे मीठे थे, तो मैंने इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल के मस्त में सीटी लगा दी, और इसको इतना सीटी लगाई जैसे ये मेरा सॉफ्ट हो जाने, 4 से 5 आपको सीटी लगाना है। फिर आपको स्लो पे कर देना है, यानी आपका आलू एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा ली हूँ, फिर इसके अंदर ऐड करी हूँ 1 कटोरी बेसन। बेसन से एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, सोंदापन आएगा, और इसके अंदर मैंने अजवाइन को भून के ऐड कर दी हूँ। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड करी हूँ। यहाँ पर मैं ना इसको मिक्स करूँगी, क्यों, क्योंकि हमें इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, आप चाहे तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। यहाँ पर मैंने 6 मिर्ची ले ली हूँ, और कम से कम 3 मैंने ली हूँ लहसुन छिले हुए, और यहाँ पर आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर 2 सूखी मिर्ची को मैंने डाल के मस्त में पीस ली हूँ। यहाँ पर देखो आप इस तरीके से मैश कर सकते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है, आपके जो आलू की पराठे ना फट जाते हैं, इस वजह से क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ ना। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने धनिया बारीक काट के डाल दी हूँ। आपको आलू के जो होते हैं ना उसको एकदम अच्छे से मैश कर देना है, अक्खे अक्खे नहीं रखना है, और जो आलू का आप डो बनाते हैं ना उसको सॉफ्ट रखना है, कड़क नहीं रखना है, यानी एकदम सॉफ्ट रखना है, एकदम ही सॉफ्ट नहीं कि वो गिलिर गिलिर हो रहा है। मस्त में आप इसके अंदर पूरा फिल कर दीजिए। आप इसको हाथ की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं, साथ में आप इसको बेल भी सकते हैं। ये देखिए बन गया। अब आप इसको मस्त में उलट पुलट करके इसको फ्राई कर दीजिए। ये देखिए हमारे मज़ेदार पराठे बन चुके हैं। आप चाहे तो चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। देखो मुझे बताते बताते ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ठंडी और बारिश में तो मज़ा ही आता है आलू का पराठा खाने में, और वैसे भी आलू का प्राइस इतना कम है कि हम खा ही सकते हैं। और अगर आपको फुल व्लॉग देखना है, फुल रेसिपी देखना है, तो ऊपर में आई बटन में ना आपको इसका दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। भैया इतना सारा बोल रही हूँ, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।